हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एमबीबीएस एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के दौरान उन्हें ये अंदाज़ा लग चुका है आंसर की देखने के बाद कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कितने स्कोर पे कौन कौन से कॉलेज या फिर कौन कौन से स्टेट में सीटें मिल सकती है, बजट क्या जा सकती है, क्या NRI कोटे से सीट मिलेंगे, मैनेजमेंट कोटे से सीट मिलेंगे, क्या नॉर्मल सीट मिल सकती है, या फिर आपको लास्ट मोमेंट में सीट मिलेंगे, या फिर आपको राउंड टू में मिलेंगे, मॉपअप में मिलेंगे, या फिर फर्स्ट राउंड में मिल सकते हैं। फर्स्ट राउंड में कौन कौन से स्टेट में मिल सकते हैं, राउंड टू में पॉसिबिलिटी कौन कौन से स्टेट में होंगे, मॉपअप में कौन कौन से मिल सकते हैं, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट राउंड में कौन कौन से स्टेट में MBBS के सीटें वैकेंट रहती है, ताकि आप अगर वहां जाते हैं या फिर उस स्टेट का आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सीटें मिल सकती है। तो तमाम जानकारी के साथ मैं आपको इस वीडियो में सारा अपडेट देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और साथ में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप वीडियो के स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते हैं कि नंबर ऑफ़ सीटें डे बाई डे इंक्रीज हो ही रही है, या फिर वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। मोर देन 6,000 सीटें जो MBBS का है अभी तक इंक्रीज कर दी गई है। इसी बीच अगर बात किया जाए तो इसमें जो लगभग 8 to 10 न्यू कॉलेजेस में अप्रूवल मिले हैं, न्यू कॉलेज के अप्रूवल मिले हैं, वो भी 100 और 150 सीटों के साथ। तो ऐसे कंडीशन में अभी और भी ऐसे स्टेट हैं जहां कॉलेज का, न्यू कॉलेज का, न्यूली कॉलेज का जो अप्रूवल आना बाकी है, ऐसे कंडीशन में लगभग 1,15,000 या फिर 1,12,000 के नियर अबाउट आपको MBBS के सीटें हो सकती है एक्सपेक्टेड। वैसे 1,06,000 समथिंग सीटें ऑल ओवर इंडिया में MBBS के हो चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर बात करें कि यदि आपका स्कोर 100 यानी कि जस्ट क्वालिफाई होंगे या फिर कैटेगरी से, या फिर आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हैं यानी कि जस्ट क्वालिफाई टू 300 के बीच में स्कोर आता है, तो आपको क्या टारगेट करना चाहिए, कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिल पाएंगे, किस राउंड में मिलेंगे, क्या आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन कौन से स्टेट में जाना चाहिए, क्या पैकेजेस जा सकती है, क्या बजट जा सकती है, इसके बारे में डिफाइन करूंगा। साथ में बात करूंगा एक्सपर्ट काउंसलिंग किसे बोलते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग किसे बोलते हैं, एक्सपर्ट काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके साथ साथ बताऊंगा NRI कोटे की सीट, मैनेजमेंट कोटे की सीट मैं पिछला वीडियो बता चुका हूँ, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि NRI कोटे की सीट किस किस स्टेट में, NRI मैनेजमेंट कोटे की सीट अवेलेबल है। साथ में हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर 300 से ज़्यादा होता है, यानी कि 300 to 500। इस वीडियो का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो जिनका स्कोर 300 से 500 के बीच में है उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और 500 टू 700 नीट स्कोर करने वाला स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अपने आप को ट्रेस कर सकते हैं कैसे आपको सीट मिलेंगी, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यदि आपका नीट स्कोर कम आ रहा हो, यानी कि 250 टू 300 के बीच में आती है, तो आपको जो टारगेट स्टेट होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पौंडीचेरी, झारखंड और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ आप आंध्रा, तेलंगाना भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आंध्रा तेलंगाना थोड़ा टफ हो सकता है। तमिलनाडु भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपको टफ एंड साइट हो सकता है, लास्ट मोमेंट में हो सकता है आपको सीट निकल जाए यदि आप साउथ से करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, MP ट्राई कर सकते हैं आप NRI कोटे से, यदि आप सीट लेना चाहते हैं। यदि आप NRI कोटे से महाराष्ट्र सीट लेना चाहते हैं, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र है, तो भी आप NRI कोटे से महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो बजट होगा वो NRI से काफ़ी हाई जा सकते हैं। लेकिन चलिए दरअसल मैं बात करता हूँ जिनका 12 lakh to 20 lakh का बजट है, तो जो स्क्रीन पर स्टेट दिख रहे हैं इन्हीं स्टेट में आपको सीट मिलना संभव हो सकता है। आप चाहें तो UP ट्राई कर सकते हैं, बिहार ट्राई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। उत्तर प्रदेश के बाद किया जाए तो यहाँ पे जो एवरेज कॉलेजेस का जो फी है वो 10 to 12 lakh per annum है,
जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का है, और जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं इनका जो एवरेज फी है 15 लाख से स्टार्ट होता है और ये 18 लाख पर एनम तक जाता है, यानी कि ओवरऑल 12 to 20 आप राउंड फिगर में लेके चल सकते हैं। बिहार का भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी आपको लगभग 8 लाख से स्टार्ट होंगे और ये 12 लाख 15 लाख समथिंग पर ईयर तक आपको जाते हैं। सबसे महंगा कॉलेज है, सबसे हाई फी वाला कॉलेज है वो नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जो आपको पटना विस्टा में है। इसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी का भी फी हाई है। इसके साथ सबसे कम फी की बात किया जाए तो कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज, इसके बाद नारायणा मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, और जो दो पिछले साल कॉलेज आए थे इनका फी थोड़ा ज़्यादा है। हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी इस स्कोर पे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक गारंटी भी देने पड़ सकते हैं। बैंक गारंटी के साथ साथ कुछ कॉलेज की क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है और हाई बजट भी आपको जा सकता है, यानी कि 12 लाख ना करके आपको पैकेजेस की अगर बात किया जाए तो 80-85 लाख का पैकेजेस जा सकता है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में नेगोशिएशन हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, यदि आपका स्कोर कम है तो कभी कभी राउंड वन या राउंड टू या मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी राउंड, सभी राउंड में नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन कराना एक लीगल वे है, लीगल प्रोसेस है, आप चाहें तो नेगोशिएट करा के आप सीट ले सकते हैं। पार्टिकुलर कॉलेज का यदि फी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 1 CR या फिर 90 लाख के पैकेज जा रहे हैं और आपको उसी पार्टिकुलर कॉलेज में यदि सीट लेना है और कॉलेज को ऐसा लगता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आ रहे हैं यानी कि हमारा सीट फिल नहीं होगा, तो कॉलेज अपना जो बजट है, अपना जो फी है, उसमें कुछ डिस्काउंट करके नेगोशिएट करके आपको सीट को प्रोवाइड करती है। ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉपर काउंसलर या फिर प्रॉपर जो आपके जानने वाले हैं जो अच्छे तरीके से एडमिशन कराते हैं, एडमिशन का प्रॉपर अप्रोच है, प्रॉपर आइडिया है सभी स्टेट के बारे में, अगर उनके टच में अच्छे से रहते हैं तो आपको सीटें मिल सकती हैं। या फिर आप हमारे चैनल के थ्रू टच में रहते हैं या हमसे टच में रहते हैं तो आपको हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। साथ में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं, 95% फ्रॉड लोग हैं, आप अगर फ्रॉड के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका साल भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो नेगोशिएशन करा सकते हैं, जेन्युइन प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के अंदर मैं आप लोगों को बताया था कि 2 नए कॉलेज का अप्रूवल मिलने वाला है जो कि PG के लिए मिला है, लेकिन इस बार UG के लिए भी एक कॉलेज का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि आपको पता ही होगा एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी नए कॉलेज आए हैं। इस तरीके से सभी स्टेट में नए कॉलेज आएंगे। UP के अंदर जो कॉलेज है वो SGT मेडिकल कॉलेज जिसका फीस ज़्यादा है, इसके बाद NC मेडिकल कॉलेज, आदेश मेडिकल कॉलेज, अल्फला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। इन कॉलेज में आपको अगर इस टाइप का स्कोर है तो आपको सीटें मिल सकती है, जो आपको फी हो सकता है 12 लाख से स्टार्ट हो सकते हैं और 15 लाख पर एनम तक जा सकते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बात किया जाए तो यहाँ पे MMU सोलन है, यहाँ ट्राई कर सकते हैं। इसका थोड़ा फी ज़्यादा है और पर ईयर इंक्रीमेंट भी है 10% का, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान यदि आप कैटेगरी से भी क्वालिफाई हैं तो भी आपको सीटें मिल सकती है, लेकिन आपका बजट होना चाहिए। यदि बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं राजस्थान के अंदर। यहाँ पे टोटल अगर बात किया जाए जयपुर, उदयपुर और गंगानगर में कॉलेज अवेलेबल है प्राइवेट। यहाँ पे अगर बात किया जाए जयपुर के अंदर 3 कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी, निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर, JNU मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसके बाद उदयपुर में कॉलेज है गीतांजलि, पैसिफिक का 2 ब्रांच है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल उमाडा उदयपुर एंड पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका है विलो का उमाडा है और एक है विलो का वेदला में, और अनंता मेडिकल कॉलेज, इसके साथ साथ अमेरिकन मेडिकल कॉलेज। ये जो कॉलेज अवेलेबल हैं ये उदयपुर के अंदर है, और एक है आपका SS तांतिया मेडिकल कॉलेज जो कि गंगानगर में है। इसके साथ साथ आप कर्नाटका ट्राई कर सकते हैं, कर्नाटका में जो सीट मिलेंगे या फिर NRI कोटे के या फिर मैनेजमेंट कोटे के, यहाँ पे बजट हाई जा सकती है। महाराष्ट्र आपको NRI से ट्राई करने पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर इंटरनल कोटे के लिए जो स्टेट के स्टूडेंट हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ओडिशा ट्राई कर सकते हैं, पौंडीचेरी झारखंड में जो कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टेट का ऑप्शन होगा, बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन होंगे, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता लेकिन फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में आपको डीम्ड में जो फ़ी हो सकता है वो 15 लाख 15 लाख से ऊपर ही जाएगा, नीचे सीट मिलने के चांसेस कम है। अब सेम स्कोर पर जिनका 250 to 300 स्कोर आता है
ये मैंने बता दिया प्राइवेट के लिए, जिन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है। तो क्या इस स्कोर पे गवर्नमेंट सीट भी मिल सकती है? जी हाँ बिल्कुल मिल सकती है। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिलेंगे जो फिजिकली हैंडीकैप है या फिर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि PWD यानी कि PH हैं, तो आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिलेंगे, गवर्नमेंट MBBS सीट मिल सकता है। अदरवाइज ST कैंडिडेट को किसी किसी स्टेट में लक बाई चांस सीटें मिल सकती है, अदरवाइज किसी भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट इस स्कोर पर मिलना आसान नहीं है, आपको प्राइवेट ही जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 200 से 250 स्कोर आता है तो भी आपको सेम स्टेट को टारगेट करके चलना चाहिए। सेम स्कोर के टारगेट अगर करते हैं तो आपको जो ऑन एवरेज बजट जा सकता है वो 12 लाख टू 15 लाख पर एनम मिनिमम पैकेज, मिनिमम पर ईयर का फी जा सकता है। यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, यदि आप नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं, यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन का अभाव है, तो आपको ये बजट है वो हो सकता है कि 12 ना होके आपका 15, 16, 17, 18 या फिर 20 लाख पर एनम का भी सीटें मिल सकती है। इसमें आपको अगर बात किया जाए ओवरऑल तो 20 लाख का नुकसान हो सकता है या 25 लाख का नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो ये जो अमाउंट है वो आप सेव कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप को मिलेंगे, दूसरे स्टूडेंट को सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको प्राइवेट ट्राई करना चाहिए। 12 लाख टू 22 लाख रुपीज़ का ऑन एवरेज फी पे आपको सीटें मिलेंगी। इस स्कोर पे भी आपको नेगोशिएशन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, जहाँ NRI मैनेजमेंट कोटे की सीटें अवेलेबल हैं, जहाँ पे फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, कॉलेज का क्वालिटी भी अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, इन दोनों कंडीशन में करा सकते हैं। स्टेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं जिनका 150 टू 200 के बीच में आता है, तो इनका एवरेज जो फी जा सकते हैं वो 12 टू 15 लाख पे भी एवरेज सीटें मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम आपको जो जाएंगे वो 20 टू 24 लाख जा सकता है। इसमें आपको NRI कोटे से सीट ले सकते हैं, नॉर्मल सीट ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटे से सीट ले सकते हैं, लेकिन इसी सेम स्कोर पर अगर हम बात किया जाए अगर करते हैं तो क्या इस स्कोर पे गवर्नमेंट सीट मिल पाएंगे? जी हाँ, गवर्नमेंट सीट सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेंगे जो फिजिकली हैंडीकेप हैं या फिर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 100% गवर्नमेंट सीट मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सिर्फ प्राइवेट, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लक बाई चांस अगर ST कैंडिडेट को सीट कहीं खाली रह गया तो मिल सकता है। साथ में यहाँ पे माइनॉरिटी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा जिनका स्कोर कम है। माइनॉरिटी स्टूडेंट को इस स्कोर पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे माइनॉरिटी के सीटें अवेलेबल है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटी में आती है, इसके साथ साथ आपको आंध्रा तेलंगाना में कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज है, तमिलनाडु में माइनॉरिटी के कॉलेज है, कर्नाटका में माइनॉरिटी के कॉलेज है, तो माइनॉरिटी कॉलेज में आपको चांसेस अच्छा खासा बन सकते हैं, अच्छे कॉलेज भी मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फी ऊपर जा सकता है। तो 150 टू 200 के बीच में 12 लाख से 15 लाख का जो आएगा वो ऑन एवरेज फी, और मैक्सिमम आपको 20-24 लाख का आ सकता है, कॉलेज अच्छा मिल सकता है। इसमें जो स्टेट है आपको दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं। NRI कोटे से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आपके पास बजट है और बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे नॉर्मल, तो आप NRI यूज करके आप टॉप के कॉलेज, DY पाटिल जैसे कॉलेज, KS हेगड़े, JSS, HDU कोलार जैसे कॉलेज, या फिर बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका के अंदर, या फिर कुछ महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट कॉलेज है जो आप NRI के थ्रू ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका 100 टू 150 आता है, यानी कि जस्ट क्वालिफाइड से 150 के बीच स्कोर आता है, तो इस स्कोर पे भी आपका सेम कंडीशन हो सकता है। 12 लाख का स्टार्टिंग प्राइस होगा और मैक्स 12 लाख टू 15 लाख इनका भी ऑन एवरेज फी जा सकता है, 12 लाख टू 15 लाख, लेकिन मैक्सिमम आपको 24, 26, 28 भी जा सकता है, 28-30 भी जा सकता है पर ईयर का, यदि आप NRI मैनेजमेंट से जाते हैं, यदि आप लोकेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी स्टूडेंट को इस स्कोर पे भी चांसेस बन सकता है अच्छे कॉलेज में सीट मिलना ऑन एवरेज प्राइस पे। स्टेट जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या इस स्कोर पे सीटें गवर्नमेंट मिल सकती है? सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप को सीटें मिलेंगे वो, या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट को सीट मिलना काफ़ी टफ है। स्टेट आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, यदि इस टाइप का स्कोर आपका आता है तो इन्हीं कुछ स्टेट में आप टारगेट करके चल सकते हैं, तो ही आपको सीट मिलना थोड़ा सा ईजी हो सकता है, अदरवाइज सीट मिलना टफ हो सकता है। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो ऑन एवरेज फी जो है ऑन एवरेज फी में जो कॉलेज अवेलेबल है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा,
इसके साथ साथ आपको जो ऑन एवरेज फी में झारखंड में अवेलेबल है कॉलेज, इन चार पांच स्टेट में ऑन एवरेज फी में जस्ट एलिजिबल स्टूडेंट को सीटें मिल सकती है। ये सारे के सारे स्टेट हैं, ये ओपन स्टेट है। और यदि आपको इन स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, जो मैंने स्टेट बताया उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और झारखंड जैसे स्टेट में जाना नहीं चाहते हैं, तो आपको बजट बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि जो सीट आपको 60 लाख से 70 लाख के फुल पैकेज में मिल सकती है, यानी कि 100 मार्क्स से 300 के बीच में आती है, और आपका बजट जो है वो 60 से 70 लाख का है, और इन स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको बजट बढ़ाने पड़ेगा। और ये बजट जो हो सकता है वो 80 लाख, 90 लाख या फिर 1 CR या फिर 1 CR 20 लाख भी जा सकता है। ऐसे में आप कर्नाटका ट्राई कर सकते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, महाराष्ट्र ट्राई कर सकते हैं, राजस्थान ट्राई कर सकते हैं, ऐसे स्टेट को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप NRI कोटे से कुछ कुछ स्टेट में सीटें ले सकते हैं जहाँ के आपको टॉप के कॉलेज मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी मैं वीडियो जो बनाया हूँ 300 से 500 और 500 से 700 के स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए, वो वीडियो आप लोग देख लेना जिनका स्कोर ज़्यादा हो, क्या आपको सीट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, कैसे मिलेंगे, किस टाइप से आपको काउंसलिंग करना होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।